हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टी लेयर स्टेप कट के ऊपर, जो कि ये कटिंग का फाइनल लुक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इस हेयर कटिंग को बताने वाली हूँ। सो कटिंग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहेगी। हेयर कटिंग करने से पहले इनकी हेयर की लेंथ आप देख सकते हैं, हेयर बहुत ही अच्छी थी। इस हेयर पे जो भी कटिंग हम करेंगे वो काफ़ी प्यारी लेयर आएगी। सो मैं मल्टी हेयर स्टेप इनके हेयर पे करूँगी। इस वीडियो में आपको ईजिली मैं बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इस कटिंग को हम कंप्लीट किए थे एंड ये इतनी प्यारी हेयर कटिंग कैसे हुई थी। कटिंग का सबसे पहला स्टेप होता है हेयर को नीचे से इक्वल करना एंड लेंथ हमें फिट करना कि हम कितनी लेंथ पे हेयर कटिंग कर रहे हैं। एंड एक तरह से देखा जाए तो हमारा ये गाइडलाइन बन चुका है, जो कि हम इसी लेंथ पे सारे हेयर को कट करेंगे। जैसे ही हम हेयर को जस्ट सामने लाए हैं, उसके साथ हमें एक शॉर्ट हेयर मिला जो कि सबसे नीचे का हेयर था नेव एरिया का। उसके साथ ही हम हेयर को कट किए जो कि हमारा 2 से 3 इंच पे लेयर आ चुकी है। अब मैं छोटे छोटे सेक्शन लेते जाऊंगी और इसके साथ गाइडलाइन को मिक्स करके कट करूंगी। कॉम को अच्छे से करें एंड फिंगर की जो ग्रीप होती है वो काफ़ी अच्छी से बनाएं। जब तक आप फिंगर की ग्रीप को अच्छे से बना रहे हैं, तब तक आपका हेयर फिंगर पे ही टिका रहेगा। आप जितना चाहें उतना ही इसे कट कर सकते हैं। साथ में अगर नोजिंग देना है तो आप नोजिंग भी दे सकते हैं। छोटे छोटे सेक्शन उठाते जाएंगे और उसके साथ हम गाइडलाइन को मिक्स करेंगे। हेयर कटिंग करना काफ़ी आसान तो नहीं हम बोल सकते हैं, बट बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। सारे हेयर पे हम इसी तरीके से सेक्शन उठाएंगे और सारे हेयर पे गाइडलाइन मिलाकर हेयर को मर्ज करते जाएंगे। उसके बाद मैं सारे हेयर को एक साथ लेकर इसे रीचेक करूँगी, जो कि हमारा कहीं से हेयर इधर उधर ना रहे एंड जो भी हेयर को हम कट किए हैं बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तो रीचेक करते समय हमें बिल्कुल लाइटली हेयर को कट करना था, क्योंकि हमारा हेयर बिल्कुल फिनिशिंग में ही कट हुई थी। बैक वाले सेक्शन पे हमें एक साइड की हेयर को हम कंप्लीट किए हैं एंड हम दूसरी साइड की हेयर को भी इसी तरीके से कट करेंगे। कटा हुआ बाल हमें मिल गया, उसके साथ हेयर को मिला लेंगे। जितनी छोटी सेक्शन आप लेते हैं उतना ही अच्छा से हेयर कटिंग ये हो पाएगा। हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो जो भी ब्यूटीशियन से देखते हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आती होगी एंड वो अच्छे से सीख पाएंगे। वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं क्योंकि व्यूज अच्छा खासा आ ही जाता है, बट लोग सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो को देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो देखना पसंद करते हैं, कुछ सीख मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहेगी एंड कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको हमारे चैनल से हेयर कटिंग सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करें एंड खूब सारा शेयर करें। जैसे आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं वैसे और लोग भी वीडियो से कुछ सीख लेंगे, क्योंकि वो लाइक एंड सब्सक्राइब करने से हमें एक मोटिव मिलता है कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। बहुत ही प्यारी हेयर कटिंग हुई थी, जो कि आप स्टार्टिंग में ही फाइनल लुक देख चुके हैं। सो इस हेयर कटिंग को सीखने के लिए वीडियो को फुल वॉच करना होगा, तभी आप एक अच्छे हेयर कटिंग सीख सकते हैं। बैक टू बैक हमारा सारा हेयर कटिंग हो चुका है, इसे भी मैं साथ में नोजिंग कर लूँगी एंड इसे रीचेक कर लूँगी। रीचेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि हमारा हेयर की फिनिशिंग दिखती है एंड कहीं से भी हेयर इधर उधर ना रहे वो भी दिख जाती है। दोनों साइड से जो कि हम हेयर को कट अच्छे से कर लिए हैं, फिर भी एक साथ मर्ज करने के लिए हम बॉक्स सेक्शन बनाते हैं, उसके बाद ही ऊपर ले जाकर हेयर को कट करते हैं। ये काफ़ी मेन हेयर कटिंग होता है यहाँ का, जो कि हमारा ये वाला लेयर कहीं से नहीं छुपता है। आप किसी भी तरीके से हेयर स्टाइल करते हैं तो ये लेयर जरूर दिखेगा। कटिंग का सबसे मेन पार्ट होता है नेप एरिया में। थोड़ा सा अगर लेयर कम आए एंड वॉक्स एरिया में आप अच्छा सा लेयर दिए हैं तो वो सारा कवर हो सकता है। बिल्कुल बैक वाले ये हेयर हैं,
अभी तक हमने एयर टू एयर वाले हेयर को नहीं कट किए हैं और कितनी अच्छी ये 8 से 10 इंच तक की लेयर आई है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। इस हेयर पे कोई भी हेयर स्टाइल करेंगे एंड किसी तरीके से ड्रेस वेयर करेंगे वो काफ़ी प्यारा लुक आने वाला है। सो इसे भी हम उसी तरीके से कट करेंगे जो कि हम बैक वाले सेक्शन किए थे। सारे हेयर को हम एक साथ लेंगे, उसके बाद हम एक छोटा सा विदाउट गाइड लाइन को कट करेंगे जो कि हमारा फ्रिजनेस हेयर है, दो मुँह बाल हैं एंड पीले बाल हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं लेयर कैसी आई है। अब मैं इसमें गाइड लाइन भी मिक्स करूंगी तभी जाके इस हेयर पे फिनिशिंग आ पाएगी। हमारा जो हेयर कटिंग रहता है हमारे चैनल पे, जो भी हेयर कटिंग हमने अभी तक पोस्ट किए हैं सारे हेयर कटिंग पे मैं डिटेल में ही बताई हूँ, जो कि हर एक वीडियो को अगर आप वॉच करते हैं तो आप एक अच्छा हेयर कटिंग सीख सकते हैं। सो अच्छे हेयर कटिंग सीखने के लिए बहुत सारा वीडियो देखना ज़रूरी नहीं होता है, अगर आप एक दो वीडियो को भी अच्छे से देख रहे हैं तो वो कटिंग आप कन्फर्म है कि सीख जाएंगे। वन वीक पहले एक वीडियो मैंने पोस्ट की थी, उस पर अच्छा खासा व्यूज भी आया था एंड जो भी कमेंट आया वो बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट थे। उसमें कुछ कमेंट ऐसा भी था कि हमारा एड्रेस एंड फ़ोन नंबर पूछ रहे थे। सो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप एड्रेस जानना चाहते हैं तो हमारा पार्लर रामकृष्णा नगर में है। अगर आप आना चाहते हैं, कोर्स की बात कर रहे थे कि कोर्स करना है, हेयर कटिंग हमें सीखना है, तो आप आकर सीख सकते हैं एंड हमारे पार्लर पे जो भी हेयर कटिंग आप दे रहे हैं, पिक दे रहे हैं या फिर जो भी कटिंग हमसे पूछ रहे हैं, वो सारा हेयर कटिंग हम खुद करते हैं एंड किसी भी तरीके से हेयर कटिंग को सीखना है तो आप सीख सकते हैं। आप वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं, आप डायरेक्टली पार्लर पे भी आकर सीख सकते हैं। कुछ कमेंट में ये था कि आप पार्लर पे कितना चार्ज लेते हैं हेयर कटिंग करने का। सो हेयर कटिंग एरिया पर डिपेंड करता है, ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि चार्ज मैं कितना लेती हूँ, बट 350 से हमारे हेयर कटिंग की चार्ज स्टार्ट होती है। आप जिस तरीके से हेयर कटिंग ले रहे हैं चार्ज बढ़ती है। सो आप अगर सैलून से हैं, पार्लर चला रहे हैं तो आप इस तरीके से पूछते हैं तो मैं बता दूँ कि एरिया पर डिपेंड करता है कि आप अपने क्लाइंट से कितना चार्ज ले रहे हैं। कटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चार्ज दे पाते हैं या नहीं। अगर कटिंग अच्छी आप कर रहे हैं तो चार्ज भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। लगभग हमारी हेयर कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जो भी नीचे से हेयर इधर उधर दिख रहे हैं, पतले पतले दिख रहे हैं, उसको मैं इक्वल कर रही हूँ यू के शेप में। हेयर कटिंग हो जाने के बाद मैं इसे डीप यू में इस हेयर को शेप में लाती हूँ जो कि हमारे हेयर नीचे से बिल्कुल पतली पतली ना दिखे। इसीलिए पतली नहीं दिखने के लिए मैं नेफ एरिया का हेयर को कट करती हूँ तो उसमें नोजिंग नहीं देती हूँ, क्योंकि नीचे वाले हेयर है ना बिल्कुल ज़्यादा ही पतले हो जाते हैं, इसलिए और भी ज़्यादा हेयर शॉर्ट हो जाती है कटिंग करते करते। फाइनल जब आप रीचेक देते हैं उस टाइम भी 1 से 2 इंच की हेयर शॉर्ट होती है। सो ये हमारा हेयर कटिंग कम्प्लीट हुआ। अब मैं इसे ब्लू ड्रायर करूँगी जो कि मैं सारे हेयर पर करती हूँ। सारे हेयर कटिंग का ब्लू ड्रायर तो मैं नहीं सूट कर पाती हूँ, अगर करती भी हूँ तो बहुत ही कम मैं इस तरीके से डिटेल में बता पाती हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और आप लोग के पास समय भी बहुत कम होती है कि आप थोड़ा सा वीडियो को खोलते हैं और वीडियो स्किप कर देते हैं, बट ऐसा ना करें, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो को शूट करने में। सो ब्लू ड्रायर करते समय हमें टेम्परेचर को नॉर्मल रखना होता है एंड उसको सारे हेयर पे हीट देनी होती है, प्रॉपर एक बराबर हीट देनी होती है जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं एंड इन कर्ल फिर आउट कर्ल करते हैं। ब्लू ड्रायर भी करना मेरे लिए तो कोई टफ नहीं है, बट अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ होगा, इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका हेयर कटिंग एंड ब्लू ड्रायर कंप्लीट होगा। सो जहाँ से सेक्शन उठाकर हम हेयर को कट किए थे वहीं से सेक्शन उठाकर मैं ब्लू ड्रायर भी कर रही हूँ ताकि हमारा प्रॉपर लेयर अच्छे से दिखाई दे एंड फाइनल लुक तो आप देख ही चुके हैं। सो इस तरीके से अगर आप भी करते हैं तो आपका भी हेयर कटिंग बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगी। चारों तरफ से हीट देने के बाद आप जैसे भी मोड़ना चाहते हैं, जिस तरीके से होल्ड कर रहे हैं हेयर पे उस तरीके से ये हो जा रही है, क्योंकि एक लेट शाइन भी आ जाती है
हेयर जो भी हेयर पे ब्लू ड्रायर किया हुआ है, जिस पे नहीं किया हुआ है उस पे आपको अभी ही अंतर दिख रही होगी कि हेयर पे शाइन भी आती है एंड ये 1 वीक तक होल्ड करती है। एयर टू एयर वाले सेक्शन पे मैं बिल्कुल फ्रंट लेकर कर रही हूँ ब्लू ड्रायर, क्योंकि फ्रंट में बिल्कुल लेयर के रूप में भी हमें दिखाना था। वीडियो के साथ साथ हमें सामने से भी कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है कि ये अच्छे से हेयर कटिंग पसंद कर रहे हैं या नहीं। सो ये रहा हमारा फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, खूब सारा शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहेगी। एंड हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छे अच्छे हेयर कटिंग की वीडियो पोस्ट की हुई है, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। हेयर स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, केराटिन मेकअप एंड फेशियल की भी वीडियो पोस्ट की हुई है, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, मैं उसमें बहुत सारा लिंक डाल दूंगी। इस हेयर पे जितनी भी फिंगर आप फेरेंगे उतना ही अच्छा लुक आने वाला है और ये 1 वीक तक ऐसा ही रहेगा जब तक ये फर्स्ट हेयर वॉश नहीं करेंगे। फर्स्ट हेयर वॉश करने के बाद ही ये लुक निकलेगा। फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।